तो चलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे पोको X4 Pro X128 GB वी एस रियलमी 9 5G से वी एस शाओमी रेडमी नोट 11T Pro, जो कि 20 हज़ार के अंदर आते हैं, वो भी बेस्ट कैमरा फ़ोन है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पोको X4 Pro 128 GB में 18,999 रुपये का है, और रियलमी 9 5G से 19,999 रुपये का है, और शाओमी रेडमी नोट 11T Pro 19,790 रुपये का है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन 695 पोको X4 Pro में है, और रियलमी 9 5G सेम में स्नैपड्रैगन 778G है, और शाओमी रेडमी नोट 11T Pro में मीडिया टेक डायमेंसिटी 8100 है। और रैम की बात की जाए तो तीनों में 6 GB रैम है। डिस्प्ले की बात की जाए तो पोको X4 Pro में 6.67 इंचेज की डिस्प्ले है, और रियलमी 9 5G सेम में 6.6 इंचेज की डिस्प्ले है, और शाओमी रेडमी नोट 11T Pro में भी 6.6 इंचेज की डिस्प्ले है। और रियल कैमरे की बात की जाए तो तीनों में ही ट्रिपल कैमरा है। मैं बैक कैमरे की बात की जाए तो तीनों में ही ट्रिपल कैमरा है। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो पोको एक्स फोर मेन कैमरे की बात की जाए तो पोको एक्स फोर प्रो में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का, और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। रियलमी 9 5G से में बात की जाए तो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। और रेडमी नोट 11T Pro में बात की जाए तो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, और सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का, और थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो तीनों में ही सिंगल कैमरा है, जो कि 16 मेगापिक्सल का है। और बैटरी की बात की जाए तो पोको X4 Pro में और रियलमी 9 5G सेम में भी 5000 mAh बैटरी है, और रेडमी नोट 11T Pro में 4400 mAh बैटरी है। और स्टोरेज की बात की जाए तो तीनों में ही 128 GB स्टोरेज दी गई है, और 1 TB तक एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो पोको X4 Pro और रियलमी 9 5G सेम में एंड्रॉयड V11 दिया गया है, और रेडमी नोट 11T Pro में एंड्रॉयड V12 दिया गया है। और कस्टम UI की बात की जाए तो पोको X4 Pro में MIUI है, और रियलमी 9 5G सेम में रियलमी UI है, और शाओमी रेडमी नोट 11T Pro में MIUI है। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पोको X4 Pro में गुड है, और रियलमी 9 5G सेम में एक्सीलेंस है। और चिपसेट की बात की जाए तो वो पोको X4 Pro में क्वालकम स्नैपड्रैगन 695 है, और रियलमी 9 5G सेम में क्वालकम स्नैपड्रैगन 778G है, और रेडमी नोट 11T Pro में मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 है। डिस्प्ले रेटिंग की बात की जाए तो पोको X4 Pro में वेरी गुड डिस्प्ले रेटिंग दी गई है, और रियलमी 9 5G सेम है, और रेडमी नोट 11T Pro में गुड डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले टाइप की बात की जाए तो पोको X4 Pro में अमोल्ड डिस्प्ले है, और रियलमी 9 5G सेम है, और रेडमी नोट 11T Pro में IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। और रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो पोको X4 Pro में 120Hz है, और रियलमी 9 5G से और रेडमी नोट 11T Pro में 144Hz है। हाइट की बात की जाए तो पोको X4 Pro में 164.1 mm है, और रियलमी 9 5G से में 164.4 mm है, और रेडमी नोट 11T Pro में 163.6 mm है। वाइड की बात की जाए तो 76.1 mm पोको X4 Pro में है, और रियलमी 9 5G से में 76.8 mm है, और शाओमी रेडमी नोट 11T Pro में 74.2 mm है।
थिकनेस की बात की जाए तो पोको एक्स फोर प्रो में एक 8.1 mm है और रियलमी 9 5G सेम है 8.5 mm है और रेडमी नोट 11T प्रो में 8.8 mm है। वेट की बात की जाए तो पोको एक्स फोर प्रो में 205 grams है और रियलमी 9 5G सेम है 199 grams है और रेडमी नोट 11T प्रो में 200 grams है। कलर्स की बात की जाए तो पोको एक्स फोर प्रो में 3 कलर है जिसमें लेजर ब्लू, लेजर ब्लैक, पोको येलो और रियलमी 9 5G सेम में 2 कलर है जिसमें स्टेरी ग्लो और एजूर ग्लो है और रेडमी नोट 11T प्रो में 3 कलर है जैसा जो ऑटोमिक सिल्वर, टाइम ब्लू और मिडनाइट ब्लैक है। वाटरप्रूफ की बात की जाए तो पोको एक्स फोर प्रो में स्प्लैश प्रूफ IP53 है और रेडमी नोट 11T प्रो में भी स्प्लैश प्रूफ IP53 है और रियलमी 9 5G में नहीं है। रियल कैमरे की बात की जाए तो पोको एक्स फोर प्रो में और रियलमी 9 5G सेम वेरी गुड है और शाओमी रेडमी नोट 11T प्रो में गुड है। और कैमरे सेटअप की बात की जाए तो तीनों में ट्रिपल कैमरा है। फ्लैश की बात की जाए तो LED फ्लैश है तीनों में। इमेज रिजोल्यूशन की बात की जाए तो पोको एक्स फोर प्रो और रेडमी नोट 11T प्रो में 9000x7000 pixel की इमेज रिजोल्यूशन है और रियलमी 9 5G सेम है 8000x6000 pixel। सेटिंग की बात की जाए तो एक्सपोजर कंपेंसेशन की ISO कंट्रोल है तीनों में। शूटिंग मॉडल की बात की जाए तो तीनों में कंटिन्यूस शूटिंग हाई डायनामिक रेंज मोड HDR है। और कैमरा फीचर की बात की जाए तो चारों में चार फीचर है जिसमें पोको एक्स फोर प्रो और रेडमी नोट 11T प्रो में डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच और टच टू फोकस है और रियलमी 9 5G सेम में 10x डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस है। वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर की बात की जाए तो पोको एक्स फोर प्रो और रियलमी 9 5G सेम में ड्यूअल वीडियो रिकॉर्डिंग है। और फ्रंट कैमरा की बात किया जाए तो सिंगल कैमरा सेटअप है। USB टाइप सी है तीनों में। नेटवर्क सपोर्टेड की बात की जाए तो तीनों में 5G सपोर्टेड बाय डिवाइस है। ऑडियो जैक की बात की जाए तो 3.5 mm का ऑडियो जैक है तीनों में। फिंगर सेंसर की बात की जाए तो तीनों में साइड फिंगर सेंसर है। तो चलो दोस्तों आज हम कंपेरिजन कर रहा है पोको एक्स फोर प्रो VS Realme 9 5G से VS Xiaomi Redmi Note 11T Pro में कर लिया है, जो कि अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।